स्टोरी विद बिनाका, सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। लीजिए, हाजिर है मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है। सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए तो एकाएक मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया यहां खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूं। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी है, कुछ खुली हुई तो कुछ बंद। एक क्षण के लिए मैं उन्हें देखती हूं, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नजर से कपड़े देखती हूं। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और अलमारी फिर से बंद कर देती हूं। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया। फिर ये कोई आज की बात नहीं है, हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे दो घंटे देरी करके आता है और एक मैं हूं कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूं। उसके बाद लाख कोशिश करके भी किसी भी काम में मैं मन नहीं लगा पाती। वो क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में लगाना चाहिए, पर ये बात कैसे समझाऊं उसको। मेज पर बैठकर मैं फिर से पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूं, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नजर घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है कि वो आया, वो आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती हुई कमरे में आई। आंटी आंटी, हमें कहानी सुनाओगी क्या? नहीं, अभी नहीं, बाद में आना, मैं रुखाई से जवाब देती हूं और वो भाग जाती है। ये मिसेस मेहता भी एक ही है। यूं तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब तब मेरा सिर खाने भेज देती है। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ लेते हैं, पर उनकी पत्नी तो बेहद अकड़ू मालूम होती है। अच्छा ही है, ज्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आजादी से घूम सकती थी। खट खट खट, वही परिचित पदध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। मैं देखती हूँ पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती। वो हंसते हुए आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाते हुए पूछता है, बहुत नाराज हो? रजनीगंधा की महक से सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज होकर, मैं रुखाई से कह देती हूँ। वो कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ मेरी ठोड़ी उठाकर कहता है, तुम ही बताओ क्या करता। क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा हुआ था, बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। सबको नाराज करके आना भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। इच्छा तो होती कि कह दूं, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी ही कोई परवाह नहीं। पर मैं कुछ नहीं कह पाती। एक टक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही है। कोई और समय होता तो मैंने अपने आंचल से इन्हें पहुंच दिया होता, पर आज नहीं। वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही थी, पर मैं क्या करूं। तभी वो अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्ते पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इस बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह इंतजार करवाएगा और फिर दुनिया भर का लाड दुलार दिखलाएगा। वो जानता जो है कि उसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता। फिर वो उठकर फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है।
फूल सजाने में वो कितना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद है, तो उसने तो जैसे नियम ही बना लिया, हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। और अब तो मुझे जैसे इन फूलों की आदत सी हो गई है। एक दिन भी कमरे में फूल न हो तो न पढ़ने में मन लगता है और न सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हम दोनों घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे ईरा के पत्र की याद आती है, जो बात सुनाने के लिए मैं सवेरे से ही आतुर थी, लेकिन इस गुस्सेबाजी में जाने कैसे भूल गई। सुनो, ईरा ने लिखा है कि किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ? कलकत्ता से? कुछ याद करते हुए संजय पूछता है और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है, यदि तुम्हें वो जॉब मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों, मुझे उसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगा। क्या वो ये चाहता है कि मैं कलकत्ते चली जाऊं, उससे दूर? तभी उसकी आवाज सुनाई पड़ती है, तुम्हें ये जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ते ही करवा लूं, हेड ऑफिस में। यहां की रोज रोज की किचकिच से तो मेरा मन ही उब गया है। कितनी बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। अगर अभी तबादला करवा लिया तो ऑफिस में तो शांति हो जाएगी, पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर जाकर बैठ गए। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई थी और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं था। वो दोनों पैर फैलाकर बैठ गया और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता रहा और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाता रहा। मैं कुछ नहीं बोली, बस एक टक उसे देखती ही रही। जब वो चुप हो गया तब मैंने बोला, मुझे इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है, पता नहीं कैसे और क्या पूछते होंगे, मेरे लिए तो ये पहला मौका है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ता है, तुम भी बिल्कुल मूर्ख हो, घर से दूर यहां कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है, क्यों? और वो गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है, फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र है, वहां किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना जाकर। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है, वहां तो हीरा को छोड़कर मैं किसी को जानती भी नहीं। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो दूसरी बात है, असहाय सी मैं कहती हूं। और किसी को नहीं जानती? फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछता है, निशित भी तो वही है। होगा, मुझे क्या करना उससे, मैं एकदम ही भन्ना कर जवाब देती हूं। पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि अब वो यही बात करेगा। कुछ नहीं करना, वो छेड़ने के लहजे में कहता है और मैं भभक पड़ती हूं। देखो संजय, मैं हजार बार तुम्हें कह चुकी हूं कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो, मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं। वो खिलखिलाकर हंस पड़ता है, पर मेरा तो सारा मूड खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं, वो मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झपट कर उसका हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है जो यहाँ देख लेगा, और देख ले तो देख ले, आप ही कुढ़ेगा। नहीं, हमें पसंद नहीं है ये बेशर्मी, और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें पसंद नहीं है, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो, पर है तो रास्ता ही ना, और फिर कानपुर जैसी जगह। कमरे में लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वो बैठता नहीं है।
बस बाहों में भरकर एक बार मुझे चूम लेता है। ये भी जैसे उसका रोज का नियम है। वो चला जाता है, मैं बाहर बालकनी से निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते 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 सड़क के किनारे पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य सी, खोई खोई सी, और फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती है। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं, मानो संजय की अनेकानेक आंखें हैं जो मुझे देख रही है, मुझे सहला रही है, मुझे दुलरा रही है। और अपने को यूं असंख्य आंखों से लगातार देखे जाने की कल्पना से ही मैं लजा जाती हूँ। मैंने संजय को भी एक बार ये बात बताई थी तो वो खूब हंसा था, और फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा था कि मैं पागल हूँ, निरी मूर्खा हूँ। कौन जाने, शायद उसका कहना ठीक ही हो, शायद मैं पागल ही हूँ। मैं जानती हूँ संजय का मन निशित को लेकर जब तब सशंकित हो उठता है, पर मैं कैसे उसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशित से सिर्फ नफरत करती हूँ। उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? मेरा बचपन होता है, महज पागलपन होता है। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वो आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है, और उसके बाद आहों, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर। सारी दुनिया की नीरसता और आत्महत्या करने के अनेक अनेक संकल्प, और फिर एक तीखी सी घृणा। जैसे ही जीवन को कोई दूसरा आधार मिल जाता है, उन सब को भूलने के लिए एक दिन भी नहीं लगता। फिर तो वो सब ऐसी बेवकूफी लगती है जिस पर घंटों बैठकर हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थी, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थी जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझल कर दिया था। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशित को भूल गई थी। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगी। पर संजय है कि जब तब निशित की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन्न सा हो उठता है। मेरे कुछ कहने पर वो खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूँ वो पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। हाँ, ये बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की ही बातें करती हूँ, या वो अपनी ऑफिस की या मित्रों की बातें करता है, या फिर हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं। पर इसका मतलब ये कदापि नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। वो क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है, सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं, हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है जिसका आधार पाकर वो अधिक गहरा हो गया है, स्थायी हो गया है। पर मैं संजय को कैसे समझाऊं ये सब? मैं उसे कैसे समझाऊं कि निशित ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिलमिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला है जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा, विश्वासघाती, नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ, और सच पूछो तो अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझती हूँ कि मैं ऐसे एक व्यक्ति के चुंगल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। संजय, ये तो सोचो कि यदि ऐसी कोई बात भी होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे
तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे क्या यूं ही समर्पण कर देती? तुम्हारे चुंबनों और आलिंगनों में अपने आप को यूं बिखरने देती? जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया है। क्या केवल इसीलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? मैं तुम्हें बहुत 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 प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशित का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। परसों मुझे कलकत्ता जाना है। बड़ा डर लग रहा है, कैसे क्या होगा। मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो? संजय को कह रही हूं कि वो भी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, यूं अकेली घूम फिर लेती हूँ तो संजय सोचता है कि मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर सच मुझे बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं ये मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं संजय के साथ वहां रहने लगी हूँ। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक। पर इंटरव्यू का ये भय मादकता से भरे इस स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है। काश संजय भी मेरे साथ चल पाता। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं ईरा को ढूंढने लगती हूँ, पर वो कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने के बजाय मैं खिड़की से ही दूर दूर तक नजरें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दे मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ जाती है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो ईरा खड़ी है। रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूँ, उफ, तुझे न देखकर तो मैं घबरा गई थी कि तुम्हारे घर तक भी कैसे पहुंचूंगी। बाहर आकर हम दोनों टैक्सी में बैठ जाती हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुंचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती है। ईरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित से उस पुल को देखती हूँ। उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतें और चारों ओर के वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है। और इस सबके बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना और कानपुर, और कहाँ ये कलकत्ता। मैंने तो आज तक कभी बहुत बड़े शहर देखे ही नहीं। क्यों ईरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर। हम जैसे डरे तो कोई और बात है। जिसने अपना सारा करियर अपने आप बनाया वो भला इंटरव्यू में डरे। फिर कुछ देर वो ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे ना, तू जाती भी है कभी उनके पास या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी, कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सकते। मुझे ये प्रसंग कतई पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय में बात करे। मैं मौन हो जाती हूँ। ईरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ था। वे होते तो शायद कुछ मदद ही करते, पर फिर एकाएक लगा कि उनके नहीं होने से शायद मैं अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। शाम को ईरा मुझे कॉफी हाउस ले गई। अचानक मुझे वहां निशित दिखाई देता है। मैं सकपका कर नजर घुमा लेती हूँ, पर वो हमारी मेज पर ही आ पहुंचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, ईरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। ईरा पास ही कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है
कि जैसे मेरी सांस रुक जाएगी। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? कहाँ ठहरी हो? जवाब ईरा देती है, मैं देख रही हूँ निशित बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। ये क्या शौक चल रहा है? उसका रंग स्याह पड़ गया है और वो बहुत दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ पड़ते हैं। ईरा को मन्नू की चिंता सता रही है और मैं स्वयं भी घर पहुंचने को उतावली हो रही थी। कॉफी हाउस से धर्मतल्ला तक वो पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। ईरा उससे बात कर रही है मानो वो ईरा का ही मित्र हो। ईरा अपना पता समझा देती है और वो दूसरे दिन 9 बजे आने का वादा करके चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निशित का यूं मिलना, न चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। बहुत दुबला हो गया है निशित, लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं साल रहा इसे? कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों न हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों न हो, पर मैं जानती हूं कि ये झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उससे कहने गया था कि तुम इस तरह से संबंध तोड़ दो? उसने अपनी इच्छा से ही तो ये सब किया था ना? एकाएक ही मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो है वो व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओह, क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया जब वो मेज के पास आकर खड़ा हुआ था? और क्यों मैंने कह नहीं दिया कि माफ कीजिए, मैं आपको नहीं पहचानती? जरा उसका खिसियाना तो देखती। वो कल भी आएगा। मुझे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, मैं उससे नफरत करती हूं। अच्छा है, आए कल, मैं उसे बता दूंगी कि जल्द ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूं, और ये भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूं, और ये भी कि मैं उससे घृणा करती हूं और जिंदगी में कभी उसे माफ नहीं कर सकती। ये सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में बार बार ये बात उठ रही थी कि 3 साल हो गए, अभी तक निशित ने विवाह क्यों नहीं किया? करे न करे मुझे क्या? क्या वो आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूं? नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। ईरा कहती है कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, फिर तो ये 300 का जॉब है। निशित सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहां तक कि उसने ऑफिस की भी छुट्टी ले ली है। वो क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उसका तो परिचय बड़े बड़े लोगों से है और वो कहता है कि जैसा भी होगा वो ये काम मुझे दिलाकर ही मानेगा, पर आखिर क्यों? मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से स्पष्ट कर दूंगी कि अब वो मेरे पास न आए। 9:45 के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूरी पर निशित टहल रहा था। वही लंबे बाल, कुर्ता पजामा। तो वो समय से पहले ही आ गया? संजय होता तो 11 बजे के पहले नहीं पहुंचता। समय पर पहुंचना तो जैसे वो जानता ही नहीं। निशित को यूं चक्कर काटते देखकर मेरा मन न जाने कैसे हो गया, और जब वो आया तो मैं चाहकर भी कटु नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वो बड़ा प्रसन्न हुआ। वहीं बैठे बैठे फोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली, कैसे क्या करना होगा उसकी योजना भी बना डाली। बैठे बैठे फोन से ही ऑफिस को सूचना भी दे दी कि आज वो ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र हालत तो मेरी हो रही थी। उसके सपनत्व भरे व्यवहार को मैं कैसे भी स्वीकार नहीं कर पाती थी, नकार भी तो नहीं पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त
एक बात भी नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात मैं उसे बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं वो सुनकर ये दिलचस्पी लेना कम न कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफी उम्मीद हो चली थी। ये नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है, मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा, हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख से बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं, मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वो बैठता नहीं है, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही है। एकाएक ही मुझे लगता है कि इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पहुंच देती, और वो क्या बिना बाहों में भरे, बिना प्यार किए यूं ही चला जाता। अच्छा तो मैं चलता हूं, निशित कहता है। यंत्र चलित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं और वो लौट पड़ता है। मैं ठगी सी देखती रहती हूं। सोते समय मेरी आदत है कि संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूं। यहां वे फूल नहीं हैं तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। पता नहीं संजय तुम इस समय क्या कर रहे हो, 3 दिन हो गए किसी ने मुझे बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया है। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए थे मैं वैसे नहीं दे पाई, पर निशित ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। मैं जानती हूं ये सब निशित की वजह से ही हुआ है। ढलते सूरज की धूप निशित के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशित इतने दिनों बाद मुझे फिर से बड़ा प्यारा लगा। मैंने देखा मुझसे ज्यादा वो प्रसन्न है। वो कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर आज उसने न जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों, क्या चाहता है वो कि मैं कलकत्ते आकर रहूं उसके साथ, उसके पास? एक अजीब सी पुलक से मेरा तन मन सिहर उठता है। वो ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूं ऐसी कोई बात नहीं, शायद वो केवल मेरे प्रति किए गए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए यह सब कर रहा है। पर क्या वो ये समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी या जो कुछ उसने किया वो भूल जाऊंगी? असंभव, मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। काम की बात के अलावा ये पहला वाक्य मैं उसके मुंह से सुनती हूं। मैं इरा की ओर देखती हूं। वो प्रस्ताव का समर्थन करके भी मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है। अकेले जाना मुझे अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर भी मैं मना नहीं कर पाती। अंदर जाकर तैयार होती हूं। मुझे याद आता है निशित को नीला रंग बहुत पसंद था। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूं। बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूं और बार बार अपने को टोकती हूं। किसको रिझाने के लिए ये सब हो रहा है? क्या ये निरा पागलपन नहीं है? सीढ़ियों पर निशित हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपटियां सुर्ख हो जाती है। मैं इस वाक्य के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ये सदा चुप रहने वाला निशित बोला भी तो ऐसी बात। मुझे ऐसी बातें सुनने की जरा भी आदत नहीं है। संजय न कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है न ऐसी बातें करता है, जबकि उसे पूरा अधिकार है, और ये बिना अधिकार ऐसी बातें करे। पर जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज नहीं हो पाती, बल्कि एक पुलक में सिरहन से महसूस करती हूं। सच, संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने के लिए मेरा मन तरसता है, पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पिछले 2.5 साल से मैं संजय के साथ रह रही हूं। रोज ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना।
इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निशित ने ये बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? क्या सचमुच ही उसे कोई अधिकार नहीं है? नहीं है। जाने कैसी मजबूरी है, कैसी विवशता है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती हूं। निश्चयात्मक दृढ़ता से नहीं कह पाती हूं कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही इस विषय में ऐसी कोई बात कहने का अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। मैं सोचती हूं, आज मैं इससे संजय के बारे में सब कुछ बता दूंगी। स्काई रूम। निशित टैक्सी वाले को आदेश देता है। टुन की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बातें करने लगती है। निशित बहुत सतर्कता के साथ कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श ना हो। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोद में फड़क कर फरफराता है। वो उसे हटाता नहीं है। मुझे लगता है ये रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। ये स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद से भर जाती हूं। आज भी मैं संजय की बात नहीं कर पाती, चाहकर भी नहीं कह पाती। अपनी इस व्यवस्था पर मुझे खिंच भी आती है, पर मेरा मुंह है कि खुलता नहीं। मुझे लगता है कि मैं जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूं, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कह पाती। ये निश्चित कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूं कोने में दुबककर निर्विकार भाव से बैठना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक ही मुझे संजय की याद आने लगती है। इस समय वो यहां होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। यूं सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं, पर जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूं कि जब निश्चित बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी अनुचित है, पर मैं क्या करूं? जितनी द्रुत गति से टैक्सी चल रही है, मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं भी बही जा रही हूं अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं जल्दी से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर इस हड़बड़ी से नीचे उतर पड़ती हूं, मानो अंदर निश्चित मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। अजी मेम साहब, क्या कभी इधर से उतरना चाहिए? टैक्सी वाला जब कहता है तो मुझे अपनी गलती का भान होता है। निश्चित उधर खड़ा है और मैं इधर, बीच में टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे तो मुझे देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता है। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नजरों से ऐसे बचाकर चलती हूं मानो मैंने कोई अपराध कर डाला हो और कोई मुझे पकड़ न ले। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है? हम दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। बाहर की हलचल और उससे भी अधिक मन की हलचल में मैं अपने आप को खोया खोया सा महसूस करती हूं। हम दोनों के सामने बैरा कोल्ड कॉफी के ग्लास और कुछ खाने का सामान रख जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निश्चित कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन महसूस करती हूं। वो जल्दी से कॉफी का स्ट्रॉ मुंह से लगा लेता है। मूर्ख कहीं का, वो सोचता है मैं बेवकूफ हूं। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि इस समय वो क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों पर छाई हुई थी, पर आज अवश्य ही वो बात आएगी। न आए ये कितना अस्वाभाविक है, पर नहीं, स्वाभाविक शायद यही है।
तीन साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया था, उसे उलटकर देखने का साहस शायद हम दोनों में नहीं है। जो संबंध टूट गए टूट गए, अब उन पर कौन बात करे। मैं तो नहीं करूंगी, पर उसे तो करना चाहिए। तोड़ा उसने था, बात आरंभ भी वही करे। मैं क्यों करूं, मुझे क्या पड़ी है। मैं तो जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूं। क्यों नहीं, मैं इसे अभी संजय के बारे में बता देती हूं। पर जाने कैसी विवशता है, जाने कैसा मोह है कि मैं मुंह ही नहीं खोल पाती। एकाएक मुझे लगता है कि जैसे उसने कुछ कहा। कुछ कहा आपने? नहीं तो मैं खिसिया जाती हूं। फिर वही मौन। खाने में जरा भी मन नहीं लग रहा, पर यंत्र चलित सी मैं खा रही हूं। शायद वो भी ऐसे ही खा रहा है। फिर मुझे लगता है कि उसके होठ फड़क रहे हैं और स्ट्रॉ पकड़े हुए उसकी उंगलियां कांप रही है। मैं जानती हूं वो मुझसे पूछना चाहता है, दीपा तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना। वो पूछ क्यों नहीं लेता। मान लो यदि पूछ ही ले तो क्या मैं कह सकूंगी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए माफ नहीं कर सकती, मैं तुमसे नफरत करती हूं, मैं तुम्हारे साथ घूम ली फिर ली कॉफी पी ली, तो ये मत समझना कि तुम्हारे विश्वासघात की बात भूल गई हूं। और फिर से एकाएक पिछला सब कुछ मेरी आंखों के सामने तैरने लगता है। पर ये क्या असह्य अपमानजनित पीड़ा, क्रोध और कटुता याद क्यों नहीं आती। मेरे सामने तो पटना में गुजरी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के वे चित्र उभर कर आते हैं, जब घंटों समीप बैठे मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे, बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी, जाने कैसी तन्मयता में हम दोनों डूबे रहते थे, एक विचित्र सी स्वप्निल सी दुनिया में। मैं कुछ बोलना भी चाहती तो मेरे मुंह पर उंगली रख देता था और कहता था, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा। आज भी तो हम मौन ही हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं। क्या आज भी हम आत्मीयता के उन्हीं क्षणों में गुजर रहे हैं। मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूं, नहीं नहीं नहीं, पर कॉफी सिप करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाती। मेरा ये विरोध हृदय की न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निशित मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में कहीं किसी भी तरह मेरा हाथ उसके हाथ से छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूं, पर वैसा कोई अवसर ही नहीं आता। वही बिल देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। मेरे मन में प्रचंड तूफान है, पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठ जाती हूं। फिर वही मौन, वही दूरी। पर जाने क्या मुझे लगता है कि कहीं निशित मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशित मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं वो मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं, पर वो कुछ भी नहीं करता। सोते समय रोज की तरह आज भी संजय का ध्यान करते हुए सोना चाहती हूँ, पर निश्चित है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आकर खड़ा हो जाता है। अपनी मजबूरी पर मैं खिंच खिंच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बातें कह देने का, पर मैं जाने कहाँ भटकी थी कि कुछ भी नहीं बता पाई। शाम को मुझे निश्चित अपने साथ लेक पर ले गया। पानी के किनारे हम दोनों घास पर बैठ गए। काफी भीड़भाड़ और चहल पहल थी, लेकिन ये स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। चारों ओर के वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था। अब तो तुम यहां आ जाओगी, मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ, नौकरी के बाद क्या इरादा है। मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही थी। शायद मुझसे ये जानकर वो अपनी कुछ बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं ये कह गई।
कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। मैं क्यों नहीं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वो मुझसे प्रेम करता है, वो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। वो मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा, पर मैं कुछ भी तो नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छल चला जाती है और मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ दीपा। मेरी सांसें जहां की तहां रुक जाती है आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो उससे कह रही हूँ कि तुम क्यों नहीं कह देते निशित कि आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो, जो कुछ हो गया उसे भूल कर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशित, कह दो। ये सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, मान भी कैसे सकती हूँ। निशित, सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी जो हो, फिर भी कुछ सुनने की आतुरता के लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ। पर तुम्हारी नजर तो लेक के पानी पर जमी हुई है, शांत, मौन। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे भले ही रह जाएं, पर अनभुझे नहीं रह सकते। तुम चाहे न कहो, पर मैं जानती हूं तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात तुम सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है, और मैं, लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत न करनी पड़ जाए। लगता है रात आधी से भी अधिक ढल गई है। मन में उत्कंठ अभिलाषा होते हुए भी निशित की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया था कि तुम स्टेशन मत आना। ईरा आई थी, पर गाड़ी पर बिठाकर ही चली गई, या यूं कहूं कि मैंने ही उसे जबरदस्ती भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशित जरूर आएगा, और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेली ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय ही शायद वो कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निशित आ रहा था। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए था कि मैं उसकी प्रतीक्षा में यहां बाहर खड़ी हूं। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूं। आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता है। वो बहुत थका हुआ लग रहा है, शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा हो, दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने यहां आ पहुंचा हो। मन करता है कि कुछ ऐसा करूं जिससे उसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूं। हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई? वो अंदर झांकते हुए पूछता है। हां, पानी वानी तो है ना? है। बिस्तर फैला लिया तुमने? मैं खींच पड़ती हूं। वो शायद समझ जाता है, इसलिए चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण के लिए एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखती हूं, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मत रहा है, पर वो कह नहीं पा रहा है। वो कह क्यों नहीं देता? क्यों नहीं अपने मन के इस घुटन को हल्का कर लेता है? आज भीड़ विशेष नहीं है। चारों ओर नजर डालकर वो कहता है, मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नजर मेरी बार बार घड़ी की ओर जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है, मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती है तो कभी खिज। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए हैं। एक बार फिर हमारी नजरें मिलती है।
ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय सी नजरों से मैं उसे देखती हूं, मानो कह रही हूं कि तुम ही चढ़ा दो, लेकिन फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूं। दरवाजे पर मैं खड़ी हूं और वो नीचे प्लेटफॉर्म पर। जाकर पहुंचने की खबर देना, जैसे ही मुझे कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा मैं तुम्हें सूचना दूंगा। मैं कुछ नहीं बोलती, बस उसे देखती रहती हूं। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी, मेरी आंखें छलछला आती हैं। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वो गाड़ी के साथ साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है। मन करता है चिल्ला पड़ूं। मैं सब समझ गई निशित, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए वो तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने मुझे कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूं, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ कह नहीं पाती, बस साथ चलते चलते निशित को देखती भर रहती हूं। गाड़ी की गति पकड़ते ही वो हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छल छलाई आंखें मंद जाती है। मुझे लगता है ये स्पर्श, ये सुख, ये क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूं। सारी आकृतियां धुंधली सी दिखाई देती है। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशित के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का मैं असफल प्रयास करती हूं। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियां दिखाई देती है। धीरे धीरे वे सब दूर हो जाती है, पीछे छूट जाती हैं। मुझे लगता है ये दैत्याकार ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अनदेखी अनजानी राहों पर गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने को फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूं। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उससे क्या कहूंगी? इतने दिनों तक उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी, कहूंगी, संजय, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की कितनी अतल गहराइयों में जमी हुई थी, इसका एहसास कलकत्ता में निशित से मिलकर हुआ। याद आता है कि तुम निशित को लेकर सदैव संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूं कि तुम जीते, मैं हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल में स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाल रखा था, पर आज भ्रम के छलना के सारे जाल छिन्न भिन्न हो गए। मैं आज भी निशित से प्यार करती हूं और ये जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूं? आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया तो सब कुछ जैसे स्पष्ट हो गया, और जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूं तो भी झूठ नहीं बोल सकती। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भावना है वो प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया जब अपने पिता और निशित को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने मुझे अपने स्नेहिल स्पर्श से जला दिया था। मेरा मुरझाया मन हरा उठा। मैं कृत्य कृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, पर प्यार की बेसुध घड़ियां, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहां शब्द चूक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुंबनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की सुध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। सोचती हूं
निशित के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की, तुम पूरक थे, मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। मुझे क्षमा कर दो संजय और लौट जाओ। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेंगी। आज एक बात अच्छी तरह से जान गई हूं कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। इसी तरह असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती हैं जो मैं संजय से कहूंगी। क्या कह सकूंगी सब? लेकिन कहना तो होगा ही, उसके साथ एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन से किसी और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिनय करती रहूं? छी, मैं नहीं जानती कि ये सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई। लौटकर अपना कमरा खोलती हूं तो देखती हूं सब कुछ ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गए हैं, कुछ फूल झड़कर जमीन पर इधर उधर बिखर गए हैं। आगे बढ़ती हूं तो जमीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है, संजय की लिखाई है। खोला तो छोटा सा पत्र था। दीपा, तुमने तो कलकत्ते जाकर कोई सूचना ही नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूं, 5-6 दिन में लौट आऊंगा, तब तक तुम भी आ जाओगी। जानने को उत्सुक हूं कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। एक लंबा निश्वास निकल जाता है, लगता है एक बड़ा बोझ हट गया। इस अवधि में तो मैं अपने आप को अच्छी तरह से तैयार कर लूंगी। नहा धोकर सबसे पहले मैं निशित को पत्र लिखती हूं। उसके होने से जो हिचक मेरे होठों को बंद किए हुए थी, दूर रहकर वो अपने आप ही टूट जाती है। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूं कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं सब कुछ समझ गई हूं। साथ ही मैं ये भी लिख देती हूं कि उसकी उस हरकत से मैं बहुत दुखी थी, बहुत नाराज भी, पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता। लौटी हूं तब से न जाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आंखों के आगे छाई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद करके मैं स्वयं पोस्ट करने जाती हूं। रात में सोती हूं तो अनायास ही मेरी नजर सोने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदलकर सो जाती हूं। आज निशित को पत्र लिखे 5वां दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज की भी डाके निकल गई। जाने कैसा सूना सूना, अनमना अनमना सा लगता है। किसी भी काम में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती डाक से ही उत्तर दे दिया उसने। समझ में नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूं। एकाएक ख्याल आता है, पिछले 2.5 सालों से करीब इसी समय यहीं पर खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की है। क्या आज भी मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूं, या मैं निशित के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूं? शायद किसी की नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। फिर मैं निरुद्देश्य सी कमरे में लौट पड़ती हूं। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लगता है यहीं बैठी रही तो मेरा दम घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले जाती हूं। शाम का धुंधल का मन के बोझ को और बढ़ा देता है। कहां जाऊं? लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई है, मेरी मंजिल खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती कि आखिर मुझे जाना कहां है। फिर भी निरुद्देश्य सी चली जाती हूं, पर आखिर कब तक यूं भटकती रहूं? हार कर लौट पड़ती हूं। घर आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूं। ईरा का तार था। नियुक्ति हो गई है, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने में क्यों खुश नहीं हो पाती। ये खबर तो निश्चित भेजने वाला था। एकाएक ही मन में विचार आता है, क्या जो कुछ मैं सोच गई वो मेरा भ्रम ही तो नहीं था, मात्र मेरी कल्पना
या मेरा अनुमान तो नहीं था? नहीं नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूं, जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया, जिसके द्वारा मेरे हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। लेख पर बिताए उन मधुर क्षणों को भ्रम कैसे मान लूं, जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था, आत्मीयता के वे अनकहे क्षण। तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वही हिचक रोके हुए है? तभी सामने घड़ी की टनटन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ। ये संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे ये घड़ी घंटे सुना सुना कर मुझे संजय की याद दिला रही है। फहराते हुए ये हरे पर्दे, ये हरी बुक रैक, ये टेबल, ये फूलदान, सभी तो संजय के ही लाए हुए हैं। मेज पर रखा हुआ ये पेन उसने मुझे सालगिरह पर लाकर दिया था। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती हूँ और हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का ये सूनापन मेरे मन के सोनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निशित की आकृति उभर कर आती है। वो लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ न कह पाने की मजबूरी, उसकी विवशता, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है, और मैं देखती हूँ कि एक पेन हाथ में लिए और दूसरे हाथ में उंगलियों को बालों में उलझाए निश्चित बैठा है। वही मजबूरी, वही विवशता और वही घुटन लिए हुए। वो चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता। वो कोशिश करता है पर उसका हाथ बस कांप कर रह जाता है। ओह, लगता है उसकी घुटन मेरा दम घोट कर रख देगी। मैं एकाएक आंखें खोलती हूँ। वही फूलदान, वही पर्दे, वही मेज और वही घड़ी। आखिर आज निशित का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह से पहुंच गई ये जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही ईरा जी को फोन पर सूचना दे दी थी और उन्होंने बताया था कि वो तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच में मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें ये काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर। शुभेच्छु निशित। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे से लुप्त हो गए। रह जाता है तो केवल शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है? क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा कभी वो? दीप, मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता हुआ संजय वहां पर खड़ा है। एक क्षण में संज्ञा शून्य सी उसे इस तरह देखती रहती हूँ, मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वो आगे बढ़ता है। मेरी खोई हुई चेतना लौट आती है और विक्षिप्त सी दौड़कर मैं उससे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? और मेरा स्वर टूट जाता है। अनायास ही आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? मारो भी गोली काम को, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता। बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है, कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा जाती है।
तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है ये स्पर्श, ये सुख, ये क्षण यही सत्य है। वो सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था। और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबित प्रति चुंबित। बस यही थी कहानी, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।